नमस्कार, आगे पढ़ते हैं और पाठ संख्या 99 की बात करते हैं। ग्रहों के कारकत्व, अब हम लोग ग्रहों के कारकत्वों को समझेंगे। ग्रह कितने होते हैं? 7+2=9, 9 ग्रहों की बात होगी। और सभी ग्रहों के कारकत्वों को 1 by 1 ठीक उसी तरह से समझेंगे जैसे हम लोगों ने 12 के 12 भावों के कारकत्वों को समझा है। हम पहले ही बताए थे कि नक्षत्र के गुण स्वरूप, राशि के गुण स्वरूप, ग्रहों के गुण स्वरूप, भाव की प्रकृति आदि यदि हमको जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम ज्योतिष में आगे बढ़ जाएंगे, आगे हम ज्योतिष करने लगेंगे, ज्योतिष सीख सकेंगे। धैर्य पूर्वक प्रश्नों को सुनना और उस प्रश्न के उत्तर देने में किस भाव और किस ग्रह का किस तरह से प्रयोग करना है, इसको जानने के लिए कारकत्वों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक। तो हम लोग अभी एक एक शब्द में पहले सीखा था, जैसे 12 भावों के लिए पहले के लिए हमने कहा था कि तन भाव, दूसरा धन भाव, तीसरा बल भाव। अब उसकी व्याख्या भी हम लोग पीछे पाठ संख्याओं में समझ चुके हैं। अब आगे जैसे कि सूर्य के लिए हमने कहा था आत्मा, चंद्रमा के लिए कहा था मन, मंगल के लिए कहा था बल, क्रमशः एक एक शब्द आपको बताते गए थे। ग्रहों में जरूर कुछ अधिक बताया था लेकिन उसके बाद और क्या क्या समझ सकते हैं ये हम लोग आज ग्रहों के कारकत्वों को भलीभांति समझेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसमें जितना लिखा हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और समझाने के क्रम में जो नहीं लिखा उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य आत्मा है, तो आत्म या आत्मा जिस भी शब्द के प्रारंभ में लग जाए, आत्म सुख, आत्म बल, आत्मा, ये सब की बात हम लोग सूर्य से ही करेंगे। ग्रहों के रूप में सूर्य को ही देखेंगे, ये इनके स्वतंत्र कारकत्व हैं। अब कहेंगे स्वतंत्र कारकत्व आप क्यों बोलते हैं? जब कभी भी हम 12 भाव बनाते हैं तो इन 12 भावों में किसी न किसी भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, माना कि लग्न के स्वामी हैं। तो ये हमारे शरीर का भी विचार करेंगे, सप्तम के स्वामी हैं। तो ये हमारे पत्नी का भी विचार करेंगे, दशम के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र का भी विचार हम इनसे करेंगे, लेकिन मूल रूप से हम जो स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं, जिसको हम चर कारक के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके लिए यहाँ आपको लिखा गया है। इसीलिए हमने कहा कि ये इनके स्वतंत्र कारकत्व हैं जो सूर्य के ही अधीन होते हैं और सूर्य ही उसके अधिष्ठाता ग्रह हैं। और अधिष्ठाता यदि नहीं समझे तो सूर्य ही ऐसे कारकत्वों को देने वाले ग्रह हैं। तो आत्मा की बात जो भी होगी सूर्य से देखें, पिता की बात होगी सूर्य, हड्डी शारीरिक अवयवों में हमने आपको बताया हुआ है सूर्य, सरकार गवर्नमेंट की से संबंधित जो भी बात होगी उसके लिए सूर्य, शक्ति। अब सूर्य को क्षत्रिय कहा गया है। हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रहों के जो गुण स्वरूप पीछे हम लोगों ने पढ़ा है उसका यहाँ बहुत उपयोग है। उसके बाद भी अब चूंकि क्षत्रिय है तो इसलिए शक्तिशाली है। आप देखते ही हैं कि सूर्य की गर्मी बर्दाश्त करना हमारे और आपके लिए असंभव हो जाता है। अब तीक्ष्णता, कितनी तीक्ष्णता होती है तो उतना ही तेज आपके अंदर होगा यदि पंचम के स्वामी हो जाए, लग्न के स्वामी हो जाए, तो क्रोध होगा आपके अंदर क्योंकि वहां तीक्ष्णता की बात हो रही है। दुर्ग से मतलब होता है जैसे आज सूर्य को आदित्य, और आदि का मतलब पुराना होता है, पुरातन। अब दुर्ग जो किला की बात करते हैं, ऐसे बिल्डिंग जो बहुत अरसों से, बरसों से, सैकड़ों हजारों साल से पड़े हुए हैं, खड़े हैं, तो ऐसे दुर्ग किला मंदिर आदि की बात हम कहाँ से करेंगे? किस ग्रह से संबंध रखेगा वो? सूर्य से रखेगा। बल,
आप समझ ही गए, शक्ति बल कोई अंतर नहीं, ताप कितना ताप होता है, और स्वयं तो उस ताप से परेशान होते ही हैं। यदि वह दूसरे स्थान का स्वामी हो जाए तो उनके वाणी से आपको भी ताप उत्पन्न हो जाएगा। सप्तम स्थान के स्वामी हो जाए तो हम लोग कहते हैं ना कि डोमिनेट करने वाली लेडी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये ताप है उसका, किसका, सूर्य का प्रभाव। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो प्रभावी भी होते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अग्नि, मंगल को अग्नि का कारकत्व प्राप्त है, लेकिन संपूर्ण जगत में अग्नि के लिए यदि कोई ग्रह है तो वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य को आग का ही गोला कहते हैं। यहाँ पे दोहरा देंगे कि शुक्र को जल का कारक कहते हैं, लेकिन चंद्रमा ही जल के अधिष्ठाता ग्रह हैं। चाहे हमारे शरीर में जल हो, नदी नाले में जल हो, तालाब झील नदी सागर में जल हो, तो उसके लिए चंद्रमा। उसी तरह से आग कहीं भी हो, किसी भी तरह का आग हो, सूर्य दूसरे नंबर पे। फिर हम लोग मंगल का विचार करते हैं। धैर्य, अब धैर्य सूर्य से जल्दी तो कोई रखता नहीं, बिल्कुल सामान्य अनुशासन से सुबह उगते हैं और शाम को डूबते हैं। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि बहुत तीव्र गति में चले और दोपहर में ही अस्त हो गए। इसका मतलब धीरता है, धैर्य है वहाँ। तो ये सूर्य के गति से ही समझिए कि कितना धैर्य होता है। सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में होगा, आप भी धैर्यवान होंगे। राज्य का आश्रय, ये शब्द है। सरकारी नौकरी की बात लोग पूछ लेते हैं, बताएं गुरुजी सरकारी नौकरी प्राप्त होगी कि नहीं, तो ये राज्य से आश्रय प्राप्त हुआ। बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, उनको सरकार से मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सरकार ने मदद पहुंचाई बहुत, लेकिन बहुत लोगों को मिल गया और बहुत लोग भटकते रह जाते हैं। तो सरकार से आश्रय मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार से संबंधित किसी भी तरह का काम आपको यदि देखना हो तो सूर्य के ऊपर ही कंसंट्रेट होना होगा। रुचि, अब ये रुचि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सामान्य पढ़ाई किया, नौकरी किया, जीवन सामान्य रूप से गुजार करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, नौकरी कुछ और कर रहे हैं, रुचि किसी और चीज़ में है, तो उसको आनंद भी प्राप्त होता है। तो ये रुचि की बात, आपके अंदर रुचि है कि नहीं, हॉबी है कि नहीं, कुछ विशेष करना चाहते हैं कि नहीं। काल पुरुष के अनुसार ये पांचवें स्थान का स्वामी होता है, हमने कहा है काल पुरुष को अलग से बताएंगे। तो ये जब पांचवें का स्वामी होता है तो वहां से भी तो रुचि की बात आएगी। तो रुचि, ज्ञान, ज्ञान तो है ही। मनुष्य लोक, ये जो मानव लोक है ना, यहाँ से सूर्य को यदि समाप्त कर दिया जाए, अब मनुष्य लोक से आप पृथ्वी की बात कीजिए, और यदि सूर्य को समाप्त किया जाए, सूर्य छुप जाए, कल से सूर्योदय नहीं हो, सूर्य दिखे नहीं, तो बिना किसी कारण के बहुत ही शीघ्रतापूर्वक ये संसार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य लोक की यदि बात करेंगे तो सूर्य से करेंगे, संहिता में और समझेंगे। प्रताप, यश, सूर्य प्रतापी होता है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोग कहते हैं ना, प्रतापी होते हैं। वर्ण को समझना है, जाति को नहीं, वहाँ भी वर्णों में हमने यही चर्चा की थी, यहाँ भी यही चर्चा कर रहे हैं। यश आपको तभी प्राप्त होगा जब सूर्य आपके पत्रिका में बलवान होगा, नहीं तो आपको यश प्राप्त नहीं होगा। पेट, हमने कहा पेट की बात करेंगे, नाभि से ऊपर तक, वो पांचवें स्थान से भी बात करेंगे, सिंह की राशि, सूर्य की राशि सिंह से भी पेट की बात करेंगे। हृदय, हृदय का मतलब यहाँ हार्ट से समझिएगा, हार्ट जिसको कहते हैं, वो उसको अलग से समझना है। ज्योतिष रोग में हम लोग समझेंगे कि हार्ट अटैक के सबसे बड़े कारक ग्रह यदि कोई है तो सूर्य है, इसीलिए हृदय की बात आई। आँख, एक आँखों के कारक
सूर्य होते हैं और दूसरे आंखों के कारक चंद्रमा होते हैं। इसीलिए जो दाहिनी आंख है उसके कारक सूर्य, बाईं आंख है उसके कारक चंद्रमा। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे भी समझेंगे जब आंखों के विषय में, आंखों के रोग के विषय में जब हम लोग आगे ज्योतिष में पढ़ेंगे। वन में भ्रमण, अब ये सिंह राशि को समझिए, पुरुष राशि है, कुरूर राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, सूर्य को समझिए, बहुत ही साहसी होता है। तो ऐसे लोग वन में भ्रमण करते हैं। अब वन में भ्रमण आजकल वन भ्रमण के लिए नहीं है, लेकिन हम आप देखते हैं कि आतंकवादी भी वन में होते हैं और हमारे सेना भी वन में होते हैं। यदि सूर्य उसके पत्रिका में कमजोर हो, साहस की कमी हो, तो वन में भ्रमण संभव नहीं है। राजा हमेशा राजा, और अब राजा की नहीं सरकार या प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो सूर्य से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं। यात्रा, सूर्य हमेशा यात्रा में रहते हैं, इसीलिए यात्रा के लिए भी सूर्य का विचार किया जाता है। यदि अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में सूर्य आए तो यात्रा संभव है, आपकी यात्रा अधिक हो सकती है। व्यवहार, लग्न के कारक हैं और लग्न सिर का कारक है, लग्न से सिर का विचार करते हैं, व्यवहार का विचार लग्न से करते हैं, इसलिए लग्न के कारक होने के कारण व्यवहार की भी बात, आपके व्यवहार उत्तम होंगे, आप अनुशासित होंगे। तो सूर्य का अनुशासन आपको समझ में आता है कि किसी भी दिन विलंब नहीं करते, घंटे भर का लेट नहीं होता, अनुशासित रूप से हमेशा चलायमान होते हैं। अन्य ग्रह तो बकरी मार्गी भी बताएंगे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी मार्गी नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग व्यवहार की बात करते हैं। पित्त के कारक हैं, ये आप लोग जानते हैं। उत्साह, जहाँ आत्मबल है वहीं उत्साह है, आत्मबल की कमी होगी उत्साह में कमी हो जाएगी। प्रसन्नता के लिए चंद्रमा, उत्साह के लिए चंद्रमा भी देखेंगे, लेकिन यदि आप आत्मबल से संपन्न हैं तो आपके अंदर उत्साह होगा ही होगा, आत्मबल। कद में छोटा, कद में इसको बड़ा नहीं कहा गया, लग्न में प्रभाव हो, लग्नेश हो, तो ऐसे जातक बहुत ऊंचे नहीं होते, एक शर्त पे होंगे कि सूर्य एकादश पहुंच जाए तो लग्न की शरीर की बढ़ोतरी हो जाएगी, तब आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। पूर्व दिशा के स्वामी, सूर्य हमेशा पूर्व से उदित होते हैं, इसीलिए पूर्व दिशा के स्वामी। साल वाली लकड़ी, ऐसे लकड़ी जिससे अच्छे फर्नीचर बनते हैं, सागवान की, सखुआ की, टीक की, जो लकड़ी होती है जिसके अंदर साल होता है, साल आप लोग समझते हैं जो कभी खराब नहीं होता, उसको साल कहते हैं। ऐसी लकड़ी जो सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहे या पड़ा रहे, न सड़े न गले, उसको साल कहते हैं। तो साल वाली लकड़ी के विषय में यदि कोई जानकारी हो, लेनी हो, प्राप्त करनी हो या प्रश्न हो, तो हम लोग सूर्य से बात करेंगे। तांबा, सोने की भी बात आती है, लेकिन धातुओं में तांबा कहा गया है सूर्य के लिए। लाल कपड़ा, लाल जो कुछ भी है वो कुछ मंगल की ओर चले जाएंगे और कुछ सूर्य की ओर चले जाएंगे। तो लाल कपड़े की बात है, लाल अन्न की बात है, क्योंकि अन्न बिना सूर्य के रोशनी से संभव नहीं, तो इसीलिए सूर्य से ही देखा जाना चाहिए। साहस, तो ये वर्णात्मक स्वरूप में सूर्य को क्षत्रिय वर्ण का कहा गया और क्षत्रिय वर्ण को साहसी कहा गया, तो आपके समझने में परेशानी नहीं होगी। क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं यदि सूर्य प्रभावी हो जाए, लग्न में हो जाए या चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल दे, तो ऐसे जातक या लग्न के ऊपर दृष्टि डाले तो क्रोधी होते हैं, और क्रोध शॉर्ट टेम्पर्ड हमने कहा, लेकिन यदि लग्न विशेष को प्रभावित कर दे तो क्रोध बहुत देर तक टिका भी रह सकता है। शत्रुता, और जब व्यक्ति क्रोधी है, क्षत्रिय है, तो आप उससे बैर लेंगे तो वो आपसे बैर लेने से पीछे नहीं हटेगा, वो आम इंसानों की तरह परहेज नहीं करेगा। तो सूर्य परहेज करने वाले ग्रह नहीं है, यदि आप उससे लड़ना चाहेंगे तो वो दो कदम आगे बढ़कर आपसे लड़ना चाहेगा, इसीलिए शत्रुता का भी विचार सूर्य से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हार जीत की बात होगी। मंगल से भी शत्रुता का विचार होगा, आगे समझेंगे,
लेकिन लड़ाई झगड़े तक सीमित है। लेकिन यदि सूर्य से शत्रुता हो गई तो ये शत्रुता हार जीत में तब्दील होकर के ही समाप्त होगा, उससे पूर्व नहीं। कितना आसान है कारकत्वों को समझना। और हमने कहा ये स्वतंत्र कारकत्व हैं, कोई भी ग्रह जिस स्थान के स्वामी होंगे उसका फल तो करेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से इन सारी बातों के विषय में यदि हमको समझना है तो पत्रिका में सूर्य की स्थिति को, वर्ग चार्ट में सूर्य की स्थिति को जानना होगा। आज मैंने वर्ग चार्ट का नाम लिया, जब ये कारकत्व समाप्त हो जाएंगे, अभ्यास करेंगे, काल पुरुष के विषय में समझेंगे और उसके बाद साथ में वर्ग चार्ट प्रारंभ कर लेंगे कि वर्गों से हम कैसे देखते हैं, वर्ग चार्ट कैसे बनता है। तो आप लोग अच्छी तरह से ज्योतिष को सीख पा रहे होंगे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, हम ज्योतिष को टोने टोटके से उबार सकें, ज्योतिष की प्रतिष्ठा बनी रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ न भी करें तो भी ज्योतिष को पढ़िए जरूर, ताकि स्वयं कभी किसी हम जैसे ज्योतिषियों के द्वारा ठगे ना जा सकें। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।